हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइट्स के बारे में बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स लाइक शेयर माय वीडियोज़ आल्सो तो स्टार्ट करते हैं स्टील जो होता है ये सेंट्रल सिलेंडर या ये कोर होता है वेस्कुलर टिश्यू का हायर प्लांट्स में और टेरिडोफाइट्स में स्टील में जालम फ्लायम पेरिसाइकल मिडुलरी रेस और पिथ जो है वो प्रेजेंट होता है जो टर्म स्टील है ये डिराइव हुई है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है रॉड या कॉलम वैन थे एंड दियोलाइट एटीन एटी सिक्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा इस टर्म को और पुट फॉरवर्ड की यानी फॉरवर्ड की स्टीलर थ्योरी ये थ्योरी जो है ये सजेस्ट करती है जो कॉटेक्स है और जो स्टील है ये दो फंडामेंटल पार्ट्स है शूट सिस्टम के बोथ दीज कंपोनेंट्स, यानी स्टील और जो क्वार्टस है ये सेपरेटेड है आपस में एंडोडर्मिस से तिघम एंड डोलाइट जो था उन्होंने रिकॉग्नाइज किया स्टील के तीन टाइप्स को खाली और उन्होंने ऐसा भी सोचा कि जो मोनोस्टीलिक शूट है वो रियर है किसके कंपैरिजन में पॉलिस्टीलिक शूट के कंपैरिजन में बट अब ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जो मूव शूट्स है वो मोनोस्टीलिक है और पॉलीस्टीलिक कंडीशन जो है वो रेयरली ऑकर करती है जो स्टम का स्टील होता है वो कनेक्ट रहता है लीफ के साथ किसकी मदद से वेस्कुलर कनेक्शन जिसे कहते हैं लीफ सप्लाई सिवरल टाइप्स की स्टील्स हैं जो कि पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में विचार प्रोटोस्टील सिफिनोस्टील सोलिनोस्टील डिक्टियोस्टील पॉलीसाइक्लिक स्टील स्टील यूस्टील यू और पॉलीस्टील चलिए अब पढ़ेंगे हम प्रोटोस्टील के बारे में जो जेफरी थे 1898 में उन्होंने क्या किया पहले बार उन्होंने पॉइंट की स्टीलर थ्योरी को किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अकॉर्डिंग जो प्रिमिटिव टाइप है ना स्टील का वो क्या है वो है प्रोटो स्टील प्रोटोस्टील में क्या होता है जो वेस्कुलर टिश्यू होता है ये सॉलिड मास होता है और जो सेंट्रल कोर होता है जाइलम का वो कंप्लीटली सराउंड किससे रहता है फ्लाइम की स्ट्रैंड से और ये मोस्ट प्रिमिटिव है और सिंपलेस टाइप है स्टील का कौन प्रोटो स्टील जो होता है वो एबसेंट होता है प्रोटोस्टील में दैट इज इसे हम कहते हैं नॉन मीडियोलेटेड है मेजोरिटी जो है टेरिडोफाइट्स की वो शो करती है प्रोटोस्टील कंडीशन उनके राइजोम में स्टम में और रूट्स में अब पांच फॉर्म्स है प्रोटोस्टील के ठीक हैप्लोस्टील एक्टिनोस्टील प्लेक्टोस्टील मिक्सड प्रोटोस्टील मिक्सड प्रोटोस्टील विद ठीक आप पढ़ेंगे हैप्लोस्टील स्टील के बारे में हैप्लो स्टील जो है ये मोस्ट प्रिमेटिव टाइप है प्रोटोस्टील का इसमें क्या होता है जो सेंट्रल सॉलिड स्मूथ कोर होता है जालम का वो सराउंड रहता है यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लाइम से एग्जाम्पल हम देखेंगे किसमें ये पाया जाएगा स्लेजनला स्पीशीज में आप एक्टिनो एक्ट्रिनोस्टील जो है ये मॉडिफिकेशन है किसकी हेपलो स्टील की और ये क्या है ये मोर एडवांस्ड है क्योंकि इसका जो सेंट्रल ज़ालम कोर होता है उसके साथ रेडिएटिंग रिप्स या आर्म्स भी पाई जाती है एग्जाम्पल ये पाया जाएगा साइल्टम स्पीशीज में इसका जो ज़ालम होता है वो स्टार शेपड होगा या जिसे हम स्टीलेट कहते है। हैं इसका नाम ये है फ्लोएम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है कॉन्टिन मैनर में फ्लोएम जो है वो ऑकर करता है सेपरेट पैट्स किसके बीच जालम की आर्म्स के बीच इसका ही नाम दिया था ब्रेनर ने 1902 में अब पढ़ेंगे प्लेक्टोस्टील के बारे में प्लेक्टोस्टील मोस्ट एडवांस टाइप है प्रोटोस्टील का यहाँ पे सेंट्रल कोर जो होता है िम का वो डिवाइड हुआ होता है नंबर ऑफ प्लेट्स में जो आपस में अरेंज होते हैं पार्लर टू ईच अदर फ्लोयम जो है वो अल्टरनेट करता है ालिम के साथ और इसका नाम दिया था जिमर मैन ने नाइनटीन थर्टी में मिक्सड प्रोटोस्टील इसमें क्या होता है जो जालिम होता है वो डिवाइड हुआ होता यहां है यहाँ पे मिस्टेक है तो यहाँ पे जायलम है डिवाइड हुआ होता है सिवरल यूनिट्स में या ग्रुप्स में ईजायलम यूनिट्स जो होते हैं हो, वो स्कैटर्ड होते हैं अरेंज होते हैं इनसाइड द ग्राउंड यानी फ्लोएम के मास ग्राउंड मास के अंदर से एग्जाम्पल आई सर्नम सिरनम देन वी हैव मिक्सड प्रोटोस्टील विद पिथ यहाँ पे क्या होता है द दायलम एलिमेंट्स यानी जो ट्रैकेट्स होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं किसके साथ जो स्मॉल पैट्स होते हैं पैर सेल्स किसके पिथ के ये टाइप जो है ये पाया जाता है पेमेटोफॉसल्स में और लिविंग फर्स में इन्हें ट्रीट किया जाता है एज ट्रांजिशनल टाइप्स किसके बीच ट्रू प्रोटोस्टील के बीच और सिफिनोस्टील के बीच आप पढ़ेंगे सिफिनोस्टील के बारे में सिफिनोस्टील मॉडिफिकेशन है प्रोटोस्टील की अ स्टील इन विच द प्रोटोस्टील इज मिडुलेटेड विद द पिथ एट सेंटर इज नोन सिफिनोस्टील ऐसा स्टील जिसमें प्रोटोस्टील जो है वो मिडुलेटेड होता है विद पिथ के साथ सेंटर में उसे कहते हैं सिफिनोस्टील ऐसा स्टील जो ये कंटेन करता है ट्यूबुलर वेस्कुलर रीजन और पैरकैमेट सेंट्रल रीजन दैट इज जो सेंट्रल कोर होता है पिथ का वो सराउंड रहता है जालिम से और ये एडवांस्ड है देन प्रोटोस्टील नाउ कम्स ऑरिजिन कैसे हुआ सिफिनोस्टील का डिफरेंट व्यूज है अमंग साइंटिस्ट जो रिगार्डिंग है सिफिनोस्टील के ऑरिजिन के बारे में बट उन सब ने ये एग्री किया कि जो सिफिनोस्टील है वो ऑरिजिनेट होता है प्रोटोस्टील से किस से? जब फॉर्मेशन हो जाती है पिथ की सेंटर में फिर सिफिनोस्टील जो है वो ऑरिजिनेट होता है प्रोटोस्टील से ओके यहाँ पे क्या होता है जो सेंट्रली प्लेसड कोर होता है उसे रिप्लेस कौन करता है पैरन कैमट स्पिथ डिफरेंट स्टेज है चेंजिंग प्रोटोस्टील की टू सिफिनोस्टील और उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है टेरिशरी स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट लेवल्स का किसमें ग्लिकने ओसमुंदा एंड अनिमी उनके जो रिव्यूज है रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ पिथ इन दफिनो स्टील तो जेफरी की थ्योरी जो है वो एक्स्ट्रा स्टीलर ऑरिजन ऑफ पिथ इनके अकॉर्डिंग जो पिथ है ये फॉर्म होता है जब जो कॉर्टिकल पैरानिकाम सेल्स इन्वेड करती है किसमें स्टील में जो इन्वेजन होता है पिथ का वो ऑकर करता है किसके थ्रू लीफ गैप के या ब्रांच गैप के थ्रू द स्पिथ और कॉटेक्स जो है वो हॉमोलगर स्ट्रक्चर्स है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करती है मोस्ट ऑफ जो ऑथर्स है सिंस इन मेनी टेरेडोफाइट्स स्टील होता है सिंस बहुत सारे टेरेडोफाइट्स में स्टील होता है जो कि विदाउट लीव गैप्स होता है लेकिन उसमें स्टील होता है बूडुल्स थ्योरी इंट्रास्टीरियर ऑरिजिन ऑफ पिथ इनकी अकॉर्डिंग ये एक जो थ्योरी है ना ये क्या कहती है जो प्रपोज की थी भूडल ने और गिवैनी ने जो सिफिनोस्टील है वो ऑरिजी इवॉल्व होता है प्रोटोस्टील से किससे लेकिन जब फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनर वेस्कुलर टिश्यू की पैर कैमा में सिफिनोस्टील जो है उसके फॉलोइंग टाइप्स हैं एकटोपलॉइक इस टाइप में क्या होता है इस टाइप के सिफिनोस्टील में पिथ सराउंड रहता है कंसेट्रिक जालम सिलेंडर से और जो नेक्स्ट होता है जालम के ट्रिक फ्लॉय या फ्लोम सिलेंडर से एम्फिफलॉय इस टाइप है? पिथ सराउंड रहता है वेस्कुलर टिश्यू से और जो कंसेंट्रिक इनर फ्लोम सिलेंडर होता है वो सराउंड रहता है उसके बाद जो नेक्स्ट इनर फ्लोम होता है वो कंसेंट्रिक जालम सिलेंडर होता है जो इमिडिएटली सराउंड रहता है आफ्टर फ्लोयम सिलेंडर से सोलिनो स्टील में क्या होता है पिथ पाया जाता है विद एक लीव गैप के साथ ये या तो एक्टोफ्लॉक होगा या तो ये एम्फेफ्लॉक सोरेनोफ होगा इसके टाइप्स है एक्टोफ्लॉइक जब जायलिम सा राउंड रहता है खाली आउटर साइड से फ्लोएम से एग्जाम्पल ऑसमोंदा एम्फेफ्लॉक सेंटर में पिथ पाया जाता है और जालम सा राउंड रहता है दोनों मतलब बोथ साइड से फ्लोएम से मार्शिलइजोम पॉलीसाइक्लिक स्टील ये टाइप की स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स है अमंग ऑल वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स ऐसा टाइप जो है ना स्टील का वो हमेशा स्टील का होता है स्ट्रक्चर में और जो एक टिपिकल पॉलिस स्टील होता है उसके पास दो या दो से ज्यादा कंसेंट्रिक रिंग्स होती है वेस्कुलर टिश्यू की ये या तो सोलिनो स्टील होगा या तो डिक्टो स्टील होगा टू कंसेंट्रिक रिंग्स जो है ना वेस्कुलर टिश्यू की वो पाई जाती है टेरेडियम एक्विलनम में और तीन पाई जाती है मैटोनिया पैक्टिनाटा में यूस्टील अगर हम देखेंगे जो ब्रेबनर है उनके अकॉर्डिंग एक और मॉडिफिकेशन है सिफिनोस्टील की जिसे कहते हैं यूस्टील इसमें क्या होता है जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है किसे कोलेटर रिंग से या कोलेटर वेस्कुलर बंडल से जो सर्चुएट रहते हैं पिथ की पेरीफ्री पे ये टाइप जो है ये एग्जाम्पल है किसकी इंटरनोड ऑफ इक्विस्टम ये मॉडिफिकेशन है एक जो फ्लाइक सिफिनोस्टील की स्प्लिटिंग जो है यहाँ पे होती है किस वजह से ओवरलैपिंग जब होती है लीव कैप्स की देन कम्स पॉलिस्टील जब एक से ज़्यादा स्टील जो है वो टेरिडोफाइड्स की एक्सीज में पाया जाता है उसे जो हाँ उसे कहते हैं पॉली स्टील और ये टाइप जो है ना ये ऐसा टाइप है जिसके पास डिराइवेट होने चाहिए प्रोटोस्टील के क्योंकि ई स्टील, स्टील, स्टील जो है वो शो करता है पॉलिस्टीलिक कंडीशन स्लेजनेला क्रोसेनाम में जनरली दो स्टील जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और स्लेजनेला लाविगाता में एज मेनी एज सिक्सटीन स्टील्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं नाव कम डिगटियो स्टील ये लास्ट में लास्ट का है सोरेन स्टील जो ब्रोक होता है ना ने नेटवर्क ऑफ़ सेपरेट वेस्कुलर स्ट्रैंड्स में उन्हें कहते हैं डिक्टोस्टील ये जो है ना ब्रेक होना स्टीलर कोर का वो किस वजह से होता है लार्ज नंबर ऑफ लीव गैप की प्रेजेंस की वजह से ई स सेपरेट वेस्कुलर स्ट्रैंड जो है उसे मेरिस्टील कहते हैं ईच मेरिस्टील प्रोटोस्टील टाइप का होता है और जो डिक्टोस्टील विद मनी मेरिस्टम वो क्या लगता है वो लगता है लुक्स लाइक सिलेंडर मैशव जैसे कि एग्ज़ाम्पल टेरिस तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है